अविभाजित बिहार में खुद का विकास ना होता देख झारखंड अलग हुआ, लेकिन आज भी हम वही हैं जहां कल थे। कुछ तो नहीं बदला, राज्य बने 20 साल हो गए पर विकास के सवाल आज भी अधूरे हैं। वही हाल है गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे कल्याणपुर गांव का, जहां के लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। हालात बदल कर रख देंगे लेकिन जब देखा तो वो खुद को बदलते नजर आए। जी हाँ, ये मात्र जुमला नहीं बल्कि उस गांव की कोरी और स्याह सच्चाई है जो गढ़वा जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हम बात यहाँ डुमरुक कल्याणपुर गांव की कर रहे हैं। सरकार और सरकारी महकमा विकास का लाख दावा करे लेकिन फिर भी ये गाँव बुनियादी विकास से अछूता है। पर क्यों है ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पानी, सड़क की जिसकी समस्या है, जो खराब चापाकल देख ही रहे हैं कैसा है, रास्ता देखिए नहीं, पूरा बड़का बड़का पखाल निकला हुआ है रोड में। अब बिजली है 24 घंटा मात्र 2 घंटा 3 घंटा दे रहा है, अब वो समय से नहीं दे रहा, कब देगा इसका कोई पता नहीं है। मिनार मिला हम लोग के पानी पीने के लिए, कुछ दिन तक चला, उसके बाद खराब हो गया है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, ऐसी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। रोड के भी हम लोग का समस्या बहुत गंभीर है। रोड नहीं है, बॉल बत्ती भी नहीं है, आने जाने में सुविधा नहीं है, दिक्कत है आने जाने में, कदाई कीचड़ हो जाता है, चंपा कल वगैरह नहीं है और डीप बोर के जरूरी पर। सरकार और सरकारी महकमा मौके पर विकास की बुलंद इमारत खड़ी करने की बात भले ही करें लेकिन ये गांव एक उदाहरण है जहां अभी तक विकास की बुनियाद नहीं रखी गई। दशकों से विकास को लेकर जिम्मेदार नजरों से दूर और अछूता यह गाँव आज भी सबकी नजरों से ओझल ही रहता है। कितना विकास हुआ है? हमको यही है कि इस जगह वो कल चाहिए, वो का सर बॉल बत्ती नहीं है, देख रहे हैं लाइट बहुत नहीं है, विकास ही है। देखिए रोड जवान देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, आजकल कोई विधायक के तरफ से ही मोरंग मिट्टी हुआ है और नहीं तो ऐसी था, बरसात में खाँच था, जाने में स्कूल लेकर के वहाँ डुमरो स्कूल है वहाँ जाने में दिक्कत हो रहा था, खाँचे कदई आदमी जा रहा था और कुआँ घूस ले लेके दिया जा रहा है 20,000-25,000 जवन जैसन है वैसन घूस दे दे के कुआँ सरकारी मिल रहा है। कौन घूस मांगते हैं? अब अधिकारी लोग मांगते होंगे, हम तो दे लिए हैं ना, देखे हैं। उधर सीएम से प्राप्त निर्देश के आलोक में उपायुक्त द्वारा तत्काल पहल किया गया और गांव में अब तक क्या विकास हुआ है उसकी जानकारी ली। उपायुक्त कहते हैं कि इस गांव में सभी तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, गांव को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। अच्छा, डुमरो नारायणपुर में जो किसी ने शिकायत किया उसमें वहां से निर्देश मिला था कि अधिकारियों की टीम भेजें, तो हमने अधिकारियों की टीम भेज के वहां पर जो योजनाएं पूर्व में क्रियान्वित हुई हैं उनके बारे में जांच, मतलब उनके बारे में प्रतिवेदन भेज दिया है और क्या आवश्यकता है वहां पर, वहां 3-4 पथों की आवश्यकता आई है, 2-3 जगह डीप बोरिंग की आवश्यकता आई है, वो हम लोगों ने संबंधित विभाग को भेज दिया है। साथ ही सीएमओ को भी सूचित कर दिया है कि अपनी तरफ से वो निर्देश दे दें। ट्विटर के जरिए डुमरो कल्याणपुर गांव का विकास तो सुनिश्चित हो गया, सीएम ने संज्ञान ले लिया और डीसी विकास को अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन यह सवाल उठता है क्या वैसे गांव का भी विकास होगा जहां पर अभी तक टेलीफोन का कोई नेटवर्क नहीं पहुंचा है। ऐसे में जरूरत है जिला प्रशासन को पूरी तरह सजग होने की और ईमानदारी पूर्वक विकास करने की, ताकि वैसे गाँव का भी विकास हो जो अभी तक विकास की बाट जो रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन।